अब हम बात करेंगे कॉजेशन थ्योरी के बारे में, कार्य कारण सिद्धांत के बारे में। ये क्या होता है? कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कुछ भी अगर होता है तो उसके पीछे कारण ज़रूरी है। अगर आप ये मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो ये कार्य हुआ, कारण क्या है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ वीडियो, अगर ये कार्य है तो कारण क्या है कि मैं बताना चाहता हूँ अपनी बात। तो इस तरह से हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, और वो कारण अगर एक कार्य है तो उसके पीछे एक कारण होता है, और इस तरह से ये सीरीज चलती जाती है। अगर सृष्टि की रचना हुई है तो आप ऐसे ही बैक करते हुए जाएंगे, लास्ट में आप एक कारण पहुंचेंगे क्योंकि ईश्वर है। तो कार्य कारण सिद्धांत के लोग मानते हैं कि कुछ भी हुआ है तो उसके पीछे एक कारण है, लेकिन अगर ईश्वर है तो उसका भी कोई कारण होगा। तो यही वजह है कि अगर आप कार्य कारण सिद्धांत को सच में मानते हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि कोई भी लास्ट कारण नहीं हो सकता, उसका पीछे भी कुछ कारण होगा। तो अल्टीमेट पावर जो है वो गॉड है। यहाँ पर आकर के कार्य कारण सिद्धांत को मानने वाले अटक जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, उसके पीछे भी तो कुछ होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं कार्य कारण सिद्धांत को नहीं मानता, तो एक दूसरा सिद्धांत है जहाँ पर मुश्किल साबित होगी, और वो है कार्मिक थ्योरी, कर्मों का सिद्धांत। लोग ये कहते हैं कि भाई अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ये कार्य कारण सिद्धांत से लिंक्ड है। तो या तो आप कॉजेशन थ्योरी को मानेंगे, अगर आप कॉजेशन थ्योरी को मानेंगे कि हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है, तो आप नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के पीछे भी कोई कारण होता है, यानी उससे भी बड़ा कोई चीज़ है, आपको ये मानना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं, ईश्वर सबसे बड़ा है और कार्य कारण सिद्धांत गलत है, तो फिर कार्मिक थ्योरी गलत हो जाएगी। अगर हर कार्य कारण से रिलेटेड नहीं है तो ये कर्मों वाला सिद्धांत जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं पैराडॉक्स। जब भी हम विचार करते हुए किसी ऐसे नतीजे पहुंचते हैं कि या तो ये सही है या ये सही है, और ये भी गलत दिख रहा है और वो भी गलत दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे थिंकिंग प्रोसेस में डिफेक्ट होता है। तो